यमुना बाजार में नाव से लगातार शो किया जा रहा था, ऐसी कंडीशन थी वहां पे। उस यमुना बाजार के जो हालात हैं वो दिखाएंगे वरुण जैन। वरुण, आपके कैमरे से क्या कुछ कैप्चर हो सकता है, शेयर कीजिए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं, मैं लाल किले के ठीक पीछे हूं। कल तक यहां पर जो स्थिति थी बेहद खराब थी, 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ था। पानी जरूर निकल गया है लेकिन अभी भी इस अंडरपास से में इतना पानी है कि कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। आप देखिए मेरे पीछे, आप सामने तस्वीरों में दिख रहा है, ये दो ट्रक इस पानी के अंदर घुस गए थे इस उम्मीद में कि शायद अब पानी का जो लेवल है कम हुआ है और ये निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाकर इनके जो छोटे मिनी ट्रक हैं ये अंदर पानी में फंस गए। उसके बाद कुछ इस तरीके से धक्के मारकर यहाँ से पानी से इनको अपना ट्रक बाहर निकालना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, अभी भी हालात जरूर सुधरे हैं, यमुना का लेवल भी डाउन हो रहा है, लेकिन लाल किले के पीछे जो ये मेन रास्ता है यमुना बाजार से आगे आगे निगम बोध और बस अड्डे की तरफ जाने का, ये रास्ता अभी भी दिल्ली वासियों के लिए पूरी तरीके से बंद है। कोई यहाँ पर आए तो अपने चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बता दूँ कि सारे रास्ते खुल गए लेकिन इस पानी में उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी अभी भी कम जरूर नजर आ रहा है लेकिन इतना है कि इसके अंदर गाड़ियां फंस सकती है। आप देखिए, मैं इन लोगों से ही बात करूं, शायद इन्हें अंदाजा नहीं था। भैया बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आगे आगे कितना सामने है जी, आपके सामने डूब के आ रहा हूं। बिल्कुल यहां से अंदाजा नहीं हुआ कि नहीं अंदर नहीं आदमी पार नहीं हो सकता। कोई रोकने वाला नहीं था, किसी ने बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं कि नहीं आगे अभी मत जाओ, पानी ज्यादा गहरा है, खतरा। वरुण, ये रास्ता किस लिहाज से खोल दिया है जब लोग उसको इससे पार ही नहीं कर सकते? किस तरीके का ये खुला रास्ता है और क्यों खोल दिया गया है रिस्क में डालने के लिए, ये समझना मुश्किल है। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन वहां का मैनेजमेंट कौन है, इन लोगों की देखरेख के लिए कौन है, किसकी जवाबदेही होती है, क्योंकि अभी भी जुलाई है और बारिश हो तो ये लोग कहां जाएंगे, कुछ उपाय है? बिल्कुल सीधा, ये बहुत ही आपने जो सवाल पूछा माकूल सवाल है, लेकिन तस्वीरें दिखा के इसका जवाब दूंगा मैं। आप देखिए अभी तस्वीरें, और मैं बार बार तिब्बती मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूँ सुनीलता, क्योंकि ये एक बड़ी विरासत का प्रतीक है। तिब्बती शरणार्थी जो कैलाश मानसरोवर के उस पार से इस पार एक जमाने में आए, और देखिए अब ये दुकानें खुल रही हैं और यहाँ पर अंदर तक गाद भरी हुई है। कितना भारी नुकसान हुआ इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक आप बात करेंगी तो यहाँ के दुकानदारों का यही कहना है कि इनको कोई खबर नहीं की गई, किसी ने इनका ये कहना है कि अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती कि पानी छोड़ा जा रहा है या यहां कुछ हो रहा है तो यहां से ये निकल लेते और निकल जाते तो ये सुरक्षित हो जाते, लेकिन किसी ने बताया नहीं, कुछ खबर नहीं लगी पानी है। नहीं, खबर तो मिला है, ये खबर आई थी पानी, ये सूचना मिला है। हाँ। लेकिन अब पिछले 20 साल से हम यही हूँ तो इतना बार कभी भी नहीं आया। हमें सरकार ने खबर मिला कि हमको 4-5 लाख पानी छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब पानी भरता है कि 9 लाख ऊपर छोड़ेगा तब पानी भरता है, तो इतना हमें अंदाजा नहीं था कि इतना पानी आएगा, तो हमने अपने हिसाब से रखा हुआ है सामान। आपको ये अंदाजा नहीं था पानी इतना ज्यादा आएगा? बिल्कुल अभिषेक, इतनी गणित लगाने की जरूरत पड़े कि कितना लाख पानी छोड़े जाने पर उनकी दुकान डूबेगी कि नहीं, ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP News, आपको रखे आगे।